गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का सुविचार, टुडेज थॉट, इफ यू शाइन्स लाइक अ सन देन फर्स्टली बर्न लाइक अ सन, अर्थात यदि आपको सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य की तरह जलना भी पड़ेगा। जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं, कोरोना वायरस की वजह से हम सब लोग घर पर ही हैं और आप सब भी घर पर हैं, तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम लोग आप लोग को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सुनीता गुप्ता, आप लोग की हिंदी टीचर, जो हम लोग क्लास थर्ड में पढ़े थे उसी को एक बार फिर से हम लोग उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहला अध्याय है भाषा, लिपि और व्याकरण करते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आम बोलचाल की भाषा जो होती है, हम जो एक दूसरे से बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? भाषा। भाषा के कितने अंग होते हैं? दो अंग, एक मौखिक, दूसरा लिखित। मौखिक भाषा वो है जो हम लोग मुँह से एक दूसरे को बोलते हैं और कान से सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ये देखिए, ये मम्मी बैठी हैं, उनके दो बच्चे हैं। मम्मी चाहे इन्हें कोई कहानी सुना रही हैं, चाहे इनसे कोई बातें कर रही हैं, ये दोनों रूप में ये मौखिक रूप है, ये भाषा का मौखिक रूप है, ये भाषा का लिखित रूप है। इसमें हम लोग कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं आता, इसमें लिखना आता है। जैसे पत्र लिख रहे हैं, जैसे ये लड़का है रजत, पत्र लिख रहा है, चाहे ये पत्र लिख रहा है या कुछ अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, लेकिन लिखने को कहते हैं लिखित रूप, अतः यह भाषा का लिखित रूप है। इसके अलावा एक और रूप है सांकेतिक रूप। सांकेतिक मतलब इशारा करना। जैसे देखिए, ये लड़की है, इशारे से बता रही है कि हम लोगों को क्या करना है, ताली बजाना है, ये भाषा का सांकेतिक रूप है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं होते, उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के कितने रूप होते हैं? वर्ण के दो रूप होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण से दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वर कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण दूसरे वर्ण की सहायता में लेने पड़ते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे कि देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं का, खा, गा, घा, तो इसके अंत में हमें किस चीज़ का उच्चारण आ रहा है? आ, यानी कि हमें व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है। जैसे हम लोग कह रहे हैं का, का के बाद में आ रहा है उच्चारण आ, यानी कि खा, खा के बाद उच्चारण आ रहा है आ। तो जब हम लोग का उच्चारण कर रहे हैं तो हमें व्यंजन की स्वर की सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन जब हम लोग स्वर की उच्चारण कर रहे हैं तो हमें व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। अब दो व्यंजनों को जोड़कर एक संयुक्त व्यंजन बने हैं। जैसे ये का हलन शा, धन सा, बना क्या? छा, क्षत्रिय वाला छा। इसी तरह एक संयुक्त व्यंजन छा है, दूसरा त्रा, ज्ञा, छा, ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन हैं। जैसे छा से हमारा शब्द बना क्षत्रिय, कक्षा, त्रा से हमारा शब्द बना त्रिशूल, त्रिदेव, ज्ञा से हमारा शब्द बना ज्ञानी, यज्ञ, श्रा से हमारा शब्द बना श्रम, श्रमिक। ये चार हमारे प्रमुख संयुक्त अक्षर हैं। अब हम पढ़ते हैं शब्द और वाक्य। इसके पहले हमने पढ़ा था भाषा, फिर हमने पढ़ा वर्ण, वर्ण में हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन। अब हमने इसके पहले हमने पढ़ा भाषा। भाषा पढ़कर हमने बोलने सीख लिया, वर्ण पढ़कर किस तरह बोलना है वो हमने सीख लिया,
और बोलने के लिए इतना ही तो काफ़ी नहीं है, बोलने के लिए हमें चाहिए वाक्य, और वो वाक्य बनते हैं शब्द से। आइए अब हम पढ़ते हैं शब्द और वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब हम अगर ऐसे ही इसको याद करेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसको हम और इजी तरीके से याद करते हैं। जैसे ये देखिए, ये माँ, माँ यानी व्यंजन रूप, प्लस ये आ यानी कि स्वर रूप, ये व्यंजन रूप, फिर ये स्वर रूप, फिर ये व्यंजन रूप और ये स्वर रूप, ये सारे जब शब्द इकट्ठे हो गए, सारे वर्ण मिलकर एक शब्द बना, यानी कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक यानी सही मेल से, अगर इन शब्दों को अगर हम उल्टा पुल्टा कर देंगे तो इसके ये सार्थक मेल नहीं होंगे और एक उचित शब्द नहीं बन पाएगा। अब हमने शब्द पढ़ लिया, अब हम आएंगे वाक्य पर कि वाक्य कैसे बनाए जाए। ठीक है, शब्द के सार्थक मेल से वाक्य का निर्माण होता है। सार्थक मेल यानी कि सही मेल, जैसे उदाहरण स्वरूप, माँ खाना बनाती है, ये एक सही रूप है, वाक्य का सही रूप, माँ खाना बनाती है। अगर इसको हम उल्टे तरीके से लिखते हैं, खाना है माँ बनाती, ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अगर इसका यह वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसको हम जब तक इसको हम सही रूप नहीं देंगे, ये वाक्य अच्छा नहीं लगेगा। इसका सही रूप ये है कि माँ खाना बनाती है। अब हमारा चौथा लेसन है संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा में क्या आता है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति में यहाँ किसके किसके, जो बच्चे बैठे हुए हैं ये सब बच्चों के नाम हैं, बच्चों के नाम में आ गया व्यक्ति का नाम। वस्तु का नाम, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आए हैं बच्चे सर्कस देखने के लिए, तो टिकट लगा कर आए होंगे। यहाँ पर वो झूले देख रहे हैं, गेंद देख रहे हैं, ये सब आ गए वस्तु के नाम पर। स्थान, ये कौन सा स्थान है? मेला है, एक मेला चल रहा है, वहाँ पर सर्कस चल रहा है, ये हो गया स्थान का नाम, सर्कस। भाव का नाम, अब ये लोग जो देख रहे हैं, ये लोग देख करके क्या क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, इन्हें खुशी मिल रही है कि गम मिल रहा है, ये हो गया भाव का, भाव को दर्शा। अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग यानी जेंडर, जैसे किसी भी स्त्री जाति का जिसमें बोध होता है, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का या पुरुष जाति का, किसी भी जाति का बोध होता है या दोनों का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। लिंग के कितने भाग हैं? दो भाग हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। जिसमें जिससे पुरुष जाति का बोध हो, यानी कि पुरुष के नामों का बोध हो, जिसमें हमें लगे कि ये पुरुष का नाम है, जैसे कि हमारा पुरुष के नाम पर हमारा कोई भी चीज आ सकता है, कोई नाम, चाहे पुरुष का नाम हो, चाहे वो जीव का नाम हो, जंतु का नाम हो, जैसे घोड़ा है, मेज है, नौकर है, चूहा है, ये सब हो गए पुरुष जाति में। ये सब आएंगे पुल्लिंग के उदाहरण पे। और स्त्रीलिंग पे, स्त्री जिसमें स्त्री जाति की, नारी जाति का बोध हो, उसमें उसे कहेंगे स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपके कोई भी उदाहरण आ सकते हैं, जैसे हमने उसमें घोड़ा कहा, इसमें घोड़ी हो सकता है, नौकरानी हो सकता है, चूहिया हो सकती है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी उदाहरण हो सकता है, वो आ जाएंगे आपके स्त्रीलिंग में। अब अगला अध्याय है वचन। वचन मतलब नंबर। देखिए, जिस शब्द से, संज्ञा के जिस शब्द से, जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का, यानी कि एक या अनेक होने का, एक या अनेक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, दो लड़के। जैसे एक लड़की, यहाँ पर देखिए रस्सी कूद रही है, यहाँ पर देखिए दो लड़की, तीन लड़कियाँ रस्सी कूद रही हैं, यहाँ पर एक घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पर तीन घोड़े दौड़ रहे हैं। देखिए वचन के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक चीज़ का बोध होता है, बहुवचन से एक से अनेक चीज़ का बोध होता है। जैसे देखिए, यहाँ पेड़ के पीछे एक बिल्ली बैठी है, और एक बिल्ली बैठी है इसलिए ये एक वचन का बोध करा रहे हैं।
इस पेड़ पे देखिए, इस पेड़ के पीछे तीन बिल्लियां हैं, एक दो तीन, एक से अधिक है, तो ये बहुवचन का बोध करा रहे हैं। उस पिक्चर से हमें एक वचन का बोध हुआ और इस पिक्चर से हमें बहुवचन का बोध हुआ, एक से अनेक है इसलिए बहुवचन। अध्याय, अब अगला अध्याय हमारा है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हर बार हम लोग किसी का नाम तो नहीं ले सकते, किसी के बारे में किसी को बताने के लिए हर बार अगर उसका नाम लें तो वो सेंटेंस सही नहीं लगता है, वो वाक्य हमारा अपूर्ण लगता है। तो हम जहाँ जहाँ पर हर बार किसी का नाम लेना होता है तो वहाँ पर हम लोग सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, मैं, वह, तुम, आप, वे आदि। सर्वनाम जहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के, जहाँ हम संज्ञा के नाम की जगह किसी भी शब्द को बार बार प्रयोग, संज्ञा को ना प्रयोग करते हुए उस जगह में हम सर्वनाम को प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला अध्याय है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। विशेषण से ही पता चल रहा है कि किसी की विशेषता बता रहा है, किसी भी चीज़ की विशेषता, चाहे वो इंसान की विशेषता हो या किसी वस्तु की विशेषता हो या किसी जगह की विशेषता हो। तो उदाहरण के ही इसके नाम से ही इसकी परिभाषा समझ में आ रही है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है बेटा, यहाँ पर विशेषण होगा, ठीक है, विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी कि किसी भी चीज़ की विशेषता बता रहा है। अब अगला अध्याय है क्रिया। क्रिया यानी कि काम करना, किसी भी चीज़ का काम करना। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं से होते हैं, अपने आप होते हैं, और कुछ कार्य को हम लोगों को करना पड़ता है, चाहे वो स्वयं से हो और चाहे वो अपने आप हो, दोनों ही स्थिति में वो क्रिया ही कहलाता है। जैसे जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना, चाहे वो खुद हो चाहे अपने आप हो जाए, चाहे हम करें उसको, उसे क्या कहेंगे, क्रिया। अब हमने कहा कि कुछ कार्य स्वयं होते हैं, स्वयं कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे सूर्य का निकलना, फूल का खिलना, नदी का बहना, बच्चे खेल रहे हैं, ये सब क्या है, स्वयं से हो रहे हैं कार्य। और कुछ कार्य किए जाते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, कोई भी बैलगाड़ी चला रहा, मुर्गा कुकड़ू कू कर रहा है, ये सब, तितली फूल से रस चूस रही है, ये सब कार्य क्या है, किए जा रहे हैं। ये आपके पिछले क्लास के जितने सब्जेक्ट्स, जितने चैप्टर पढ़ाए गए थे उसका ये रिवीजन हो गया। अब आप लोग को नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए बुक के संग में मिलेंगे। ये बुक आप लोग तब तक खरीद लें। ये आपके दो बुक चलेंगे बेटा, ये हिंदी फर्स्ट है और ये हिंदी सेकंड है, ठीक है। हिंदी फर्स्ट आपकी वही चल रही है जो पुरानी चल रही थी, और हिंदी सेकंड चेंज हो गई है, व्याकरण और वसुधन नंबर 4। इसके साथ में ऐसी दो मोटी मोटी कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ये हिंदी की कॉपी है। ऐसे इस तरीके से आप लोग यहाँ पर पेज नंबर की जगह में नंबरिंग लिख लीजिएगा। अभी आप लोग फ्री हैं इसलिए पहले से ये वर्क करके कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर एक से लेके जितने पेज हैं वहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा, नंबर लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग इंडेक्स लेसन करते जाएंगे, आप लोग इंडेक्स लिखना जानते हैं, यहाँ पर सीरियल नंबर, डेट और चैप्टर का नेम, यहाँ पर पेज नंबर डाल करके इंडेक्स साथ साथ में इसको कंप्लीट करते जाइएगा, ओके। 15 मई से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग के। उसके पहले आप लोग कॉपी किताब खरीद लीजिएगा, बाइंडिंग कर लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, नेम स्लिप लगा लीजिएगा। अब हम लोग आपसे मिलेंगे नए क्लास में। धन्यवाद।